आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो रे, आज का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट बैरोमेट्रिक हाइट। ठीक है, आपको बोला गया है कि उन फैक्टर्स को जो है एक्सप्लेन कीजिए जो बैरोमेट्रिक हाइट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ओवर आंसर, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बैरोमेट्रिक हाइट होती क्या है। ठीक है, बैरोमेट्रिक हाइट जो आपकी वो होती क्या है। ठीक है, सो इसके लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पे ये, ठीक है, इस प्रकार से ये जो है कोई कंटेनर है। ठीक है, एंड इस कंटेनर के अंदर मान लो कि हमने जो है यहाँ पे जो है आपका इस प्रकार से एक जो है कांच की नली का जो है यहाँ पे रख दिया। ठीक है, एंड हमने मान लिया कि यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर जो है यहाँ तक जो आपकी मरकरी जो है वो फील्ड है। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ तक आपकी मरकरी फील्ड है। ठीक है, ये क्या आपकी एच जी, क्या है आपकी एच जी। ठीक है, दैट मीन्स मरकरी। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, आपको पता कि यहाँ पे जैसे आप जो है इस कांच की पट्टिका जिसके अंदर आप अगर इस मरकरी जो यहाँ पर जैसे आपका जो कंटेनर जिसके अंदर यहाँ पे आपकी मरकरी जो फील्ड है उसके अंदर जैसे आप डालोगे तो यहाँ से आपकी जो मरकरी जो है उसकी हाइट जो है वो कुछ ऊपर चली जाएगी और वो मान लो वो यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ तक एक कांच की जो नली आपने जो डाली, कांच की ट्यूब जो आपने डाली है, इसके अंदर मान लो कि मरकरी की हाइट जो वो यहाँ तक आ गई। ठीक है, जैसे आप इसको डालोगे, ठीक है, वो कैसे होगा आपको पता है, एटमोसफेयर प्रेशर के कारण जो है यहाँ पे ये जो लिक्विड जो है वो क्या होगा, कांच की ट्यूब जो इसके अंदर जो है ऊपर की तरफ जो है इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वो सब ठीक है, सो एटमोसफेयर प्रेशर के कारण। ठीक है, सो यहाँ से देखिए ये जो हाइट होती है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो मरकरी सरफेस से लेके ये जो हाइट जहाँ तक आपका लिक्विड जो इंक्रीज किया था, ये हाइट मान लेते हैं हम एच है। ठीक है, ये हाइट क्या कहलाएगी आपकी, ये हाइट आपकी कहलाती है बैरोमेट्रिक हाइट। बैरोमेट्रिक हाइट, ठीक है, ये हाइट कहलाती है आपकी बैरोमेट्रिक हाइट। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है आपकी इस बैरोमेट्रिक हाइट ये जो एज जो है इसको जो है इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखना ये जो हाइट जो है, अगर आप जो है इस जो एक जो है आपके ने जो ट्यूब लिए, इस ट्यूब का मान लो आपने शेप जो है चेंज कर दिया, ठीक, या फिर आपने इसका साइज चेंज कर दिया, मान लो कि इसने वो आपने इसको बहुत लंबा कर दिया फिर, ठीक है, सो ये हाइट जो आपकी फिर भी फिक्स रहेगी। ठीक है, इसके जो है आप इस ट्यूब के साइज और शेप चेंज करने से जो है इसकी हाइट जो है वो चेंज नहीं हो जाती है, हाइट जो है फिर भी जो है फिक्स रहेगी। ठीक है, एंड अब यह हाइट जो आप क्या होती है वो होगी आप क्या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टिंग द बैरोमेट्रिक हाइट। ठीक है, कौन कौन फैक्टर जो है बैरोमेट्रिक हाइट जो है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो नंबर वन पे जो आपके पास फैक्टर आता है वो आपके पास होता है मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर इन मरकरी। ठीक है, कि जो नंबर वन फैक्टर जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है मॉइस्चर इन मरकरी। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपने इस मरकरी के अंदर यहाँ पे अगर मॉइस्चर जो है अगर ऐड कर दिया, ठीक, दैट मीन्स मॉइस्चर मतलब जैसे वाटर वेपर हो गया या फिर कोई भी अदर लिक्विड जो है वो ये अगर यहाँ पे ये जो बैरोमेट्रिक जो बैरोमीटर जो है जो मरकरी जो आपने बैरोमीटर के अंदर फिल किया, यहाँ पे अगर ये जो बैरोमीटर जो है, ठीक है, मरकरी बैरोमीटर जो है वो कंटेंस करे कुछ मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर जैसे आपके वाटर वेपर हो गया या फिर कोई अन्य जो है अदर लिक्विड्स हो गया, ठीक है, जैसे लाइक एल्कोहल, ठीक है, सो इस प्रकार के लिक्विड हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो वैक्यूम जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैक्यूम जो है यहाँ पे आपका वेपराइज हो जाएगा अबव सरफेस ऑफ द मरकरी। ठीक है, ये जो आपकी सरफेस जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो ट्यूब के अंदर जो ये ऊपर का जो आपका जो वैक्यूम सरफेस है ये क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, एंड वेपराइज होने के कारण ये क्या करेगा, ये जो वेपर जो होगी वो क्या करेगी, वो यहाँ से ये जो आपकी सरफेस है इसके ऊपर यहाँ से जो आपका जो प्रेशर जो है वो एग्जस्ट करेगी। ठीक है, एंड प्रेशर एग्जस्ट करने के कारण यहाँ पे आपकी क्या होगी, मरकरी जो जो आपकी बैरोमेट्रिक हाइट जो है वो बैरोमेट्रिक हाइट क्या हो जाएगी आपके पास, वो बैरोमेट्रिक हाइट जो आपके पास वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड जो डिक्रीज जो आपकी जो वेपर प्रेशर जो है उसे फाइंड आप यहाँ से कर भी सकते हैं, वेपर प्रेशर जो है उसको आप फाइंड भी कर सकते हैं, वो आप फाइंड करेंगे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ट्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर ड्यू टू बैरोमेट्रिक लिक्विड। ठीक है, एंड नंबर टू जो आपके पास जो फैक्टर आता है जो बैरोमेट्रिक हाइट जो है उसको इफेक्ट करता है वो आपके पास होता है डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इन मरकरी, कि मरकरी के अंदर इम्प्योरिटीज इन मरकरी।
ठीक है, कि अगर आप जो है मरकरी के अंदर अगर आप जो है इम्प्योरिटीज अगर ऐड कर देते हो तो वहां पे भी जो है वो जो है आपकी जो बैरोमेट्रिक हाइट जो उसको इफेक्ट करेगी। ठीक है, एंड ये इफेक्ट कैसे करेगी? ठीक है, देखिए जैसे आप जो मरकरी जो बैरोमीटर के अंदर जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस मरकरी के अंदर अगर आप जो है इम्प्योर कर देते हो, ठीक है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज अगर आप ऐड कर देते हो, ठीक है, सो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो एपेरेंट डेंसिटी जो है, ठीक है, एपेरेंट डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, एपेरेंट डेंसिटी यहाँ से आपके पास लोअर हो जाएगी। ठीक है, सो जो अगर आपके पास एपेरेंट डेंसिटी अगर लोअर होगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, जो हाइट जो है, ठीक है, एपेरेंट डेंसिटी लोअर होती है आपकी क्या हो जाएगी, जो हाइट जो है, हाइट ऑफ मरकरी कोलन जो है वो जो वो क्या हो जाएगी यहाँ से आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये जो हाइट ऑफ मरकरी कोलन है ये क्या हो जाएगी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एपेरेंट डेंसिटी जो है वो जो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, उसके कारण हाइट ऑफ मरकरी कोलन जो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑप्शन थ्री के अंदर आप बोल सकते हो कि आपका जो अदर जो फैक्टर जो बैरोमेट्रिक हाइट को जो इफेक्ट कर सकता है वो आपका है हाइट फ्रॉम सी लेवल, हाइट फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, हाइट फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, सो देखिए जो वर्टिकल हाइट जो होती है, वर्टिकल हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है, जो सी लेवल से जो वर्टिकल हाइट जो होती है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो तो आपके पास क्या होगा, अगर जैसे मान लो ये सी लेवल है, ठीक है, तो सी लेवल से जो अगर आपकी वर्टिकल हाइट अगर इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है जैसे जैसे आपके पास वर्टिकल हाइट इंक्रीज होगी तो वहां पे आपके पास एटमोसफियर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एटमोसफियर प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां से आपके पास कम हो जाएगा। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो एटमोसफियर प्रेशर क्या होगा आपके पास, कम। ये आपको पता है कि जैसे जैसे आपके पास सी लेवल से आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर हाइट में जाते हो तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, एटमोसफियर प्रेशर कम होगा, प्रेशर जो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लो आप कहीं पहाड़ पे चले गए तो वहाँ पे आपके पास जो है एटमोसफियर प्रेशर जो है वहाँ पे आपके पास जो है वो एज कम्पेयर टू ग्राउंड के जो है काफी कम होगा। ठीक है, सो आपको पता है हाइट इंक्रीज होगी तो वहाँ पे जो सी लेवल से आपकी हाइट अगर इंक्रीज होती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एटमोसफेरिक प्रेशर जो आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर आपके पास कम हो गया तो आपको पता है कि जो हाइट ऑफ मरकरी, अगर मान लो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपकी ये जो मरकरी इसके ऊपर क्या लगेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है कम लगेगा। अगर इसके ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा तो यहाँ पे ये हाइट जो ये मरकरी जो ऊपर चढ़ रही है मरकरी क्या जाएगी, ऊपर जो है कम जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स ये हाइट ऑफ मरकरी जो हाइट ऑफ जो बैरोमेट्रिक हाइट जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, सो हाइट फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपके पास जो है जो हाइट ऑफ आप बोल सकते हो हाइट ऑफ जो एटमोसफियर प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और उसकी वजह से जो हाइट ऑफ मरकरी कोलन, ठीक है, दैट मीन्स बैरोमेट्रिक हाइट जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, सो एंड नंबर फोर आप बोल सकते हो जो फैक्टर आप यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है बैरोमेट्रिक हाइट को, वो आप बोल सकते हो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो जो है यहाँ पे लगी रहा आपका वो क्या करेगा, ठीक है, उससे तो हो गया, वो तो आपके यहाँ लगेगा जहाँ आप बैठे हो उसको रखोगे। ठीक है, मरकरी जो बैरोमीटर को रख रहे हो वहाँ पे, ठीक है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बोल सकते हो। ठीक है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर नहीं, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, सो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर क्या होगा, देखिए जैसे अगर आपका टेम्परेचर अगर राइज हो जाता है, ठीक है, सो वहां पे जो एटमोस्फेरिक एयर जो है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, एटमोस्फेरिक एयर की डेंसिटी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही होगा इंक्रीज होगा वहां से जो आपके पास क्या हो जाएगी, जो डेंसिटी जो है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेरिक एयर जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर राइज होने पर। ठीक है, सो अगर डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेरिक एयर जो है अगर आपके पास डिक्रीज हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पे आपके जो डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेरिक एयर जो डिक्रीज हो रही है उसके कारण क्या होगा, वहां पे जो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, वो भी आपके पास जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वहां पे जो गिवन हाइट है जो सी लेवल से, ठीक है, सो जो सी लेवल से गिवन हाइट है वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, वहां पे जो आपके पास जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर भी जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो वहां पे जो हाइट ऑफ मरकरी जो है, ठीक है, वो बैरोमीटर के अंदर वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वहां पे क्या कम हो जाएगा, देखिए टेम्परेचर राइज होगा तो आपके पास जो है एटमोस्फेरिक एयर जो डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेरिक एयर जो है वो आपके पास डिक्रीज होगी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेरिक एयर जो अगर आपके पास डिक्रीज हो जाती है तो वहां पे आपके पास एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर एट ए गिवन हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, वो भी आपके पास जो है रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर वो आपके पास रेड्यूस हो गया तो आपके पास जो मरकरी इन्वायरोमीटर जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मरकरी इन्वायरोमीटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, सो उसके कारण जो हाइट ऑफ मरकरी कोलन जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, हाइट ऑफ मरकरी कोलन वो क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाइट ऑफ मरकरी कोलन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड नंबर फाइव के ऊपर आप बोल सकते हो कि आपकी जो ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है वो भी आपकी जो है जो बैरोमेट्रिक
हाइट जो है उसको जो है इफेक्ट करती है, ठीक है। एंड ह्यूमिडिटी बैरोमेट्रिक हाइट को किस प्रकार से इफेक्ट करती है, देखिए जो ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है आपके पास, आप बोल सकते हो ह्यूमिडिटी इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, ठीक है। एटमोसफेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट हुआ आपके क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो अगर आप ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करते हो, ठीक है, सो वहाँ पे क्या होगा आपके पास, जो इफेक्टिव डेंसिटी जो होगी किसकी, जो आपका एटमोसफेयर होगा, ठीक है, एटमोसफेयर जो होगा उसकी जो इफेक्टिव डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपके पास इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर अगर डिक्रीज होगी तो वहाँ पे जो हाइट ऑफ मर्करी जो है बैरोमीटर के अंदर वो क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे फैक्टर जो बैरोमेट्रिक हाइट जो है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।